नोबेल प्राइज में से कोई एक मुसलमान निकाल के दिखाएंगे फिजिक्स आते हैं, मैंने नोबेल प्राइज के चेसर में। मगर एक टेस्ट तो है ना कि आप वाकई में जो हालात चला दी उन्होंने तो आप असहाबे काफ की रूलिंग लगानी पड़ेगी। उस वक्त हम सूरह बनी इसराइल वाले मुसलमान थे जब सूरह बनी इसराइल आ रही थी, और यहूदी वो वाली सुपीरियर साइकोलॉजी में आ नहीं सकता था मुसलमान के सामने। आपको फर्स्ट हैंड अपनी नॉलेज बता देता हूं ना, जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने भी चैलेंज करके स्टार्ट किया था। आप क्या समझ रहे हैं मेरे इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी जब से नहीं, आपकी अपनी बातों में क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, और ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही। ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तब मुसलमानों के लोग तापे आएंगे ना। यहूदियों ने इंटेलेक्चुअली सुपीरियर पहले मनवाया कॉमन सेंस के थ्रू, और पॉलिटिक्स चमक गई उनकी, उनके स्टूडेंट्स को रोका गया कैम्ब्रिज ना छोड़ना। मैं जानता हूं उनके स्टूडेंट्स को रोका गया है, इसराइल ना हो भाई, मुझे पता तुम्हारा काबा इधर ही है। नाउ हमें तुम्हारी जरूरत कैम्ब्रिज में है, हार्वर्ड में, हमें तुम्हारी जरूरत आईवी लीग में। स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं उनके उलमा मशायख उनके, कि मत आओ, इतना जज्बा नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए। और यही किया उन्होंने। फिर फॉरेन पॉलिसी कौन लिख रहा है? यूएन की यहूदी। कौन? कैम्ब्रिज का पीएचडी है। छोड़ के तेल अवीव क्यों नहीं आया? कहते मैंने तीन दफा रैबाई से बोला कि मैंने इसराइली खिदमत करनी है, इनसे तो और किसी की खिदमत करवा रहे थे। इधर आके तूने दीवारें चाटनी है, जो दीवार भी करते हैं ना वो, तूने दीवार चाटनी है इधर, तुझे अल्लाह ने वहां पर रखा है, वहां से इसराइली खिदमत कर। कैसे क्लैरिटी के साथ स्ट्रक्चर करते हैं। आपको भी यही कह रहा हूं बेटा, पिछली नस्लों ने यह काम नहीं किया, आप लोगों ने करना है। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से वो वाली बातें नहीं आती। ये लेवल्स हैं हायरार्की के कायनात की सॉल्यूशंस, फिर दुनिया के सॉल्यूशंस पॉलिटिकल साइंस, फिर लोकल नेशनल लेवल के सॉल्यूशन, और फिर पर्सनल सॉल्यूशन, और उसके बाद रीपते। पाकिस्तान में वो चल रहा है सबसे लोएस्ट रैंक के ऊपर डिस्कशन, कपड़े कौन से, सेल कहां लगी हुई है, अगला मैच कब है, नवाज शरीफ ने कौन सी वीडियो लीक की है इमरान खान की, तो इमरान खान ने कौन सी, मरियम नवाज। ये हमारे स्टूडेंट्स ये बातें कर रहे हैं। तो उसकी आप मेडिकल चाहिए, आपकी उम्र में आपने सिर्फ किताबें किताबों से डालने के लिए, हाँ ओवर स्टिमुलेट करेंगे किताबों में घुसो। स्टूडेंट का काम सिर्फ किताबें याद रखेगा। एट योर एज यू नीड टू बी एक्सपर्ट्स ऑफ बुक्स। In 10 years, you will not have the time for books because you will be actually involved in people and people affairs. How can it happen? I'm talking about Muslims. Who books do you read? Nobel Prize. केमिस्ट्री में लिया हो, बायोलॉजी में लिया हो, मैथमेटिक्स का फील्ड मेडल किसी मुसलमान के पास हो, उनको पर लगे हुए हैं, वो ग्लोबल प्रॉब्लम को सोचते हैं, उसके सोल्यूशन को नोबेल प्राइज निकाल लेते हैं। प्रैक्टिकली है कि आप बुक्स में डाइव डीप करें। मैं कह रहा हूँ दो चीजें बेटा, इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी चाइनीज किसी वजह से मशहूर है ना, कोई एक स्किल है ना उनकी, मैथमेटिक्स में से मशहूर है ना वो, ठीक है। यहूदी अपनी इंटेलिजेंस की वजह से क्यों मशहूर है, नोबेल प्राइज के ऊपर उनका एक मेजर आ गया था, एक मेजर है उनका, ठीक है, वो वैसे इंटेलिजेंस की वजह से मशहूर थे पहले भी। मुसलमान किस वजह से मशहूर है? मैंने नहीं, किसी वजह से कुछ कॉम्पिटेंस नहीं हमारी रजिस्टर हुई ना। मैं इसको इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी में कह रहा हूं मैं, कि आपकी फिलोसफीज, आपकी किताबें, आपके सोल्यूशन टू द वर्ल्ड, ये अगर पब्लिश होने लगे और लोग एक्लेम करना शुरू कर दें, नीचे का नाम क्यों जानते हैं आप? जी जी हाँ, और लोगों ने कितनी मुतशाबहात की आयतें हैं कुरान में? नहीं नहीं नहीं, कितनी है मुझे पता है कितनी है, कितनी आपको ये मसला बेटा, स्टूडेंट को पता होता है ना मुतशाबहात में नहीं जाना। वेयर डिड यू फाइंड द टाइम 24 सालों में आपके पास किताबों के अलावा, आर्ग्यूमेंटेशन और लॉजिकल स्टडी के अलावा आपके पास टाइम कहां से आया? पता कहां से आया? अम्मी अबू ने टॉक शो के ऊपर ट्रेन किया हुआ है हमें। आपने 4 साल की थी ना, गो बैक टू योर क्लोजेस्ट अर्लीस्ट मेमोरी, आपको पता चलेगा जियो टीवी पे हामिद मीर, अल्ताफ हुसैन और इमरान खान बैठे हुए होंगे, जरदारी या वो बैठा होगा, बचपन से आपकी ट्रेनिंग हुई है मेरी और आपकी। एवरी सिंगल डे यू से द वर्ड इमरान खान, डोंट यू? एवरी सिंगल डे यू से द वर्ड मरियम नवाज शरीफ,
एंड नॉट इवन वंस अ ईयर यू टॉक से साद बिन माज, अली बिन अबी तालिब का फलसफा, नेवर। सो जिसकी फ्रंट यार्ड के अंदर रहेंगे उसी का खाना पीना करेंगे ना, जिसके लिविंग रूम में रहेंगे यू गोना हैव अ लाइफस्टाइल ऑफ दैट पर्सन। दैट्स व्हाई यू डोंट इवन नो दैट, बट यू आर एम्यूलेटिंग योर ओन डिस्कशंस, एम्यूलेटिंग। ये साइकोलॉजी हमारी, हम जिस डिस्कशन में होते हैं उसी की पर्सनैलिटी को एम्यूलेट कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियसली होता है, सबकॉन्शियसली हो रहा होता है। योर बॉडी वॉन्ट्स टू बी एक्ट से स्पीक वॉक और टॉक लाइक दैट पर्सन, योर बॉडी इज डूइंग दैट, मिमिक्री बोलते हैं इसको। हमारा प्राइम केमिकल है जो कर रहा होता है, हमें पता, हम बताता भी नहीं है वो केमिकल। आपका फलसफा भी उन लोगों के फलसफे के साथ, उनका स्याह आपका स्याह बन जाता है, उनका सफेद आपका सफेद बन जाता है, आपको पता भी नहीं होता। जब कोई कहे ना कि वो सहाबा थे, हम वो लेवल नहीं अचीव कर सकते, तो उनको सहाबा मतलब उनको कहा करें वो तो सहाबा थे, अबू बकर उमर तो सहाबा थे। मेरे पे जो टाइम आया ना अबू बकर उमर का नहीं है, आपकी वजह से आप मेरे पे कोई और सहाबा का टाइम आ गया, उन सहाबा का नाम असहाबे काफ है। ओके, ये जवाब दें सबको, क्या फोर्स कर रहे हैं कि फिर हम निकले गारों की तरफ? असहाबे काफ भी तो सहाबा ही थे ना, अल्लाह ने कह दिया ना सहाबा है वो, असहाबे काफ है। आप कहते हैं मैं उमर बिन खताब नहीं बन सकता, ठीक है, रेप्यूटेशन ऑफ इस्लाम डैमेज हुई हुई है, तो मैं उसको सैलवेज करने की मशीन नहीं हूं, मैं पतली गली से निकल के पास घर गाड़ी और बीवियां बनाने की मशीन हूं, ठीक है, आई गेट इट, मगर फिर असहाबे काफ हूं मैं, फिर मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं हमेशा आई एम एस को भी यही सेशन बोलता हूं कि आप वाकई में जो हालात चला दिए उन्होंने, तो आप असहाबे काफ की रूलिंग लगानी पड़ेगी। मगर ये एक्सट्रीम है, साइकोलॉजी में एक्सट्रीम है। अभी मैं बता रहा हूं अभी असहाबे काफ वाला टाइम नहीं है, अगर आपने स्टेप ना लिया तो आपके बच्चे असहाबे काफ वाले स्टेप नहीं, अगर वो हक तक पहुंच गए भाई, वरना वो भी मेयर और आपकी फोटोकॉपीज होंगे, वो भी ये कहेंगे यार लेक्चर बड़ा अच्छा था, मगर कुछ बातें कहीं निकाल लेना उसमें से, थोड़ा सा उसामा बिन लादेन टच था उसमें। मैं और आप इस्लाम से शर्मिंदा है ये सबसे पहले एडमिट करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब ये बीमारी निकालो, क्या बीमारी? मैं अपनी फिलॉसफी से शर्मिंदा हूं सर। जब डॉक्टर बीमारी देखेगा तो निकालेगा ना, हम बिताते ही नहीं है, दर्द सर में हो रहा है सर, पेट पेट, उसने पेट खोल के 10 बार देख लिया, आप पेट के ऊपर कट लगने की बीमारी लग गई है, इन्फेक्शन हो गए, इतनी सर्जरी हो चुकी है, पेट सारे डॉक्टर इकट्ठे होते हैं, हर दफा ही आता कोई तो मसला है, बताता नहीं हूं सर मसला असल में मेरा दिमाग खराब है, 35 सर्जरियां कर चुके हैं, हर मसला अपनी सर्जरी करने की कोशिश कर रहा है, अहले हदीस अपनी, अहले बरेलवी अपनी, देवबंदी अपनी, शिया अपनी, सुन्नी अपनी, हर मसलक सर्जरियां कर रहा है, मसला क्या है इनके साथ, हम बताएंगे हल क्या है। वो आईसिस वाले इतना खिलाफत आ गई, खिलाफत आ गई, दुनिया में हर मुसलमान मार दिया, इसराइल अभी तक पैर फैला के सामने बैठे, एक बम नहीं, इससे बेहतर तो सदाम हुसैन था, हर रोज जमेरात की सुबह स्कड मिसाइल लॉन्च करो तेल अवीव पे, दो नंबरी टेक्निक थी, मगर एटलीस्ट कार तो किसी असली दुश्मन पे हमला रहा था ना, समझे? सो ये किताब को मानते हैं पूरी तरीके से मानते हैं, वो सूरह बनी इसराइल वाले यहूदी हैं अभी तक, हम सूरह बनी इसराइल वाले मुसलमान नहीं है, बनी इसराइल यहूदियों की, उस वक्त हम सूरह बनी इसराइल वाले मुसलमान थे जब सूरह बनी इसराइल आ रही थी, और यहूदी वो वाली सुपीरियर साइकोलॉजी में आ नहीं सकता था मुसलमान के सामने, अब यहूदी हमारे सामने खड़ा होता है और हम इंफीरियर साइकोलॉजी में होते हैं और वो सुपीरियर साइकोलॉजी में होता है, वो अपने ट्रूथ को ट्रूथ मान रहा है और हम अपने ट्रूथ को छुपा रहे हैं, ये है हमारा प्रॉब्लम, ये इसलिए कह रहा था अम्मी कॉन्फिडेंस देती है बेटा, अबू देते हैं उड़ना कैसे, यहूदी के बाप को कौन सी साइंस आती है, कोई पढ़ने लगा बच्चा पैदा होता यहूदियों का, जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अफला याकिलून, अकल नहीं करते, लअल्लकुम तफक्करून, तफक्कर फिकर क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं हो कि कैसे हो रहा है सारा मामला, तो तहकीक के दरवाजे क्यामत तक नहीं बंद हो सकते कुरान। आपको पता है आइंस्टाइन ने क्या मसला और फिजिक्स के प्रोफेसर आपका मसला हल कर रहे हैं, आपको पता है इस बात का, बायोलॉजिस्ट आपके मसाइल हल कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में आपके मसाइल हल होते हैं, मेरे मसाइल हल होते हैं, समझ रही है, इसलिए उनकी किताबें हैं नाम,
आप मेरी बात क्यों समझ नहीं है? दे आर ट्राइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बट वी आर नेवर गोना सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। इसलिए हमने साइंस को जवाब दे दिए। यहां से मुसलमान होता है कि पूरी बिलीफ ले आता है कि भाई यही है बस, प्रूफ कर दो कि ये वर्जन अल्लाह के नबी सलाम से नहीं है, अल्लाह के नबी सलाम से कोई और वर्जन है तो मैं मान लूंगा, मगर ये ना कहो कि नबी सलाम के अलावा भी कोई वर्जन है। ये कह दो कि हदीस का मतलब कुछ और है जो आपने समझा, ये ना कहो कि हदीस के अलावा भी कोई हक है। ये जरूरत नहीं आ रही मुसलमानों में, जो वो वाली हदीसें जो कि कुरान पाक की वाली आयतों को इनवाइट करके पूरा का पूरा फिजिक्स का मामला सॉल्व करके दे रही, सिद्धरतुल मुंतहा से पानी निकल रहा है कि जड़ से और नील में आ रहा है, ये आयत है कि हदीस है, तो ये भी मुतशाबिहात है, तो पानी ऊपर से नीचे कैसे आ रहा है? हम ये काम करना है कि हमने ये चीज प्रूफ करनी है ना, आ रहा है प्रूफ तो होगी, मेरे लिए तो प्रूफ है ना, लेकिन हम इस तक कैसे मतलब सर मतलब आवाज समझ रहे हो आपने, मैंने इस तरह की तो मैंने एक चीज बताई आपको, सर एक चीज बताइए, इस तरह की हजारों चीजें हैं जो कि दुनिया सिर्फ फिजिक्स के स्टेम फील्ड के उस प्रोफेसर के ताबे क्यों हुई है? दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। मुसलमान किसी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा, सिवाय कह रहा है निकाह कैसे करना है, तलाक कैसे देनी है, हज कैसे करना है, रोजा कैसे रखना है, इससे किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर मेरा पूरी दुनिया का जिम्मा है, ठीक है, चाहे मैं शिया हूं या सुन्नी हूं, भाभी हूं या जो भी हूं, मालिकी हूं या शाफी हूं, हंबली हूं या हनफी हूं, इट डज नॉट मैटर। बहुत छोटे मसाइल है वो, जो असली मसला है कि पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम किस लेवल के ऊपर इंटेलेक्चुअल मूव करेगा। ये पहला बता रहा, दो पिलर्स हैं आपके, दूसरी वो पॉलिटिकल मूव है, मगर पॉलिटिकल मूव हो ही नहीं सकती जब तक आप इंटेलेक्चुअली सुपीरियर नहीं है दुनिया। सो यू आर गोइंग टू क्रिएट द इंटेलेक्चुअल वॉर वेव, द टाइडल वेव, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वेश्चंस हो, असली वाले सवाल हो। आपका नाम क्या है? अरे सवाल रोकने नहीं, ऐसा लड़ाई जारी रखो, लड़ाई छोड़नी नहीं है, सही पकड़ा हुआ है, मगर इसी रास्ते इससे एक स्टेप आगे जो है ना आंसर खोलने शुरू होंगे, ठीक है। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, इसी तरीके से सोचती रहना ताकि पहुंच जाओ। दूसरी बात, आपने जिस नियत से सारे के सारे सवाल किए हैं, अल्लाह का करे सबकी वो हो जाए, आप ठीक जगह पर ट्रैक पे आ रही है। हर एक को चैलेंज करें, मेरे समेत सबको, कि मैं गुमराह तो नहीं जाऊंगी। आप इंटेलेक्चुअल हो कह सकते हैं जब आप एक किसी फेक नॉलेज को या इवन एब्सोल्यूट नॉलेज को चैलेंज नहीं करेंगे, ताकि पता चले कि सर सही है आप। ये चैलेंज तो इस पाकिस्तान में है ही नहीं। मैंने आपको फर्स्ट हैंड अपनी नॉलेज बता देता हूं ना, जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने ये चैलेंज करके स्टार्ट किया था। आप क्या समझ रहे हैं? मेरे दो तीन घर हैं, हर घर पे आवाम इकट्ठी हो जाती है, हफ्ते में एक दफा आ रहता है कि आप इसको नहीं छोड़ेगा, या पंजाबी में भी आते हैं अली पठानी, कहते ना निकालो इसको बाहर, कुरान से पोर्टल निकाल के बैठा हुआ आ जाते हैं, या फिर हाफिज साहब से बात करने की तमीज नहीं है इसको, आते हैं क्या करें क्या करें? बताता हूं ना, दो ही चॉइसेस हैं, नीचे नीचे रेडार के नीचे रह के अपने बच्चों को कमजोर बोने बना बना के, बोने का मतलब है रेडार के नीचे रह के, कुछ भी ना ऐसा करी, अपनी लाइफ गुजार, अपना अपना खेल, किसी को कोई बात ना करी, जैसे कि जिब्राइल अमीन ने आके आपको हक पहुंचा दिया, उसके बाद आप असाबे काफ हो चुके हैं, नीचे से निकल, ये ठीक है। फिर दूसरी ऑप्शन ये, और यही कर रहे सब पूरा पाकिस्तान, नहीं कर रहे, मुझे बात समझ आती है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम कैसे लेते हैं अगर आप साथ एंड में ये एप्लीकेशन बताते हैं उसकी? मुस्लिम इज ऑलवेज फर्स्ट बिलीफ मुसलमानों की इंटेलेक्चुअलिज्म में रुक जाए, अल्लाह ने कहा था तुझे कोई नहीं मार सकता सिवाय मेरे, अल्लाह ने तो सबसे पहली आजादी आपको दी है कि जान किसकी है? अल्लाह की है, जब लेना होगा ले, इज्जत किसकी है? अल्लाह की है, कोई नहीं बेइज्जत कर सकता, कोई नहीं मार सकता। सो यू आर द ओनली पीपल हु आर एक्सपोज, आप इस्लामाबाद में हैं, आप मेट्रो में हैं, आप एक्सपोज हैं, आपके पास यूट्यूब इंटरनेट, आपके पास किताबें, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर एक्सपोज, सब का सब ग्लोबल लेवल के ऊपर पर्सपेक्टिव आपको दे रहा है। उसके बाद भी आपने वो बात की कि जो खुशदार और पशीन की लड़की और लड़का करते हैं, तो फिर तो मसला आपके साथ है ना, फिर माँ बाप को बात नहीं करें, आप माँ बाप नहीं बैठे हुए इधर हमारे,
आप लोग इधर बैठे हैं, ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक्सपोजर आपके पास आया, आपकी अम्मी और नानियों को पता भी नहीं है कि इस माहौल का मतलब क्या होता है।